एबिलिटी हर्ट करते हैं, ये आवाज सुनिए, ये आवाज से इंसान डर जाएगा। हाय लेडीज, आप देख रहे हैं प्रीति नायर चैनल और मैं हूँ प्रीति और मैं बनाती हूँ वीडियोस ऑन ब्यूटी फूड एंड लाइफस्टाइल पे। तो आज का वीडियो जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज तो आज हम बात करने वाले हैं एपिलेटर्स के बारे में। इस पैंडेमिक सिचुएशन में, इस लॉकडाउन सिचुएशन में जब हम सलून नहीं जा सकते या आपके एरिया में अगर सलून खुले भी हैं तो वो सेफ नहीं है, राइट? तो हम कैसे ही घर में है रिमूवल कर सकते हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो एपिलेटर्स के बारे में जितनी मेरे को जानकारी है, जितना मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर किया है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, उस बेल आइकन को क्लिक करना कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें लिख के रखी है क्या होता है एपिलेटर सब कुछ। तो जब मैंने एपिलेटर खरीदा था मैंने इसके बारे में इतना सर्च किया था और ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो मुझे नहीं मिली थी। और इस 3 साल के यूज में, हाँ जी इसको 3 साल हो गया है, 3 साल के यूज में मैंने बहुत सारी चीजें फाइंड आउट की। तो जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता। सबसे पहला क्वेश्चन होगा क्या होता है एपिलेटर। तो वो एपिलेटर्स जो होते हैं ऐसा छोटा सा प्रोडक्ट होता है और इसमें जो होते हैं बहुत सारे ट्वीजर्स होते हैं, मतलब ऐसे छोटे 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 ट्वीजर्स होते हैं जो आपका आपके जो बाल हैं वो प्लक करते हैं। सेम लाइक वैक्सिंग, वैक्सिंग में भी आपके बाल जड़ से निकलते हैं, एपिलेटर में भी वैक्सिंग की तरह ही जड़ से आपके बाल निकालता है, शेव की तरह ऊपर सतह से सिर्फ बाल नहीं निकालता। अब आपको कहाँ मिल सकता है एपिलेटर? एपिलेटर्स आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट में बहुत इजीली आपको एपिलेटर मिल जाएगा। ये भी मैंने अमेजोन से लिया था और ये है ब्रॉन सिल्क एपिलेटर 7 ड्राई एंड वेट, मतलब आप ड्राई स्किन में भी यूज़ कर सकते हो और अगर आप शावर यूज़ कर रहे हो तब आपको एपिलेट करना है आप तब भी यूज़ कर सकते हो। ये कॉर्डलेस होता है, मतलब आपने इसको चार्ज कर लिया और आपने इसको यूज़ कर लिया। अब इसका कॉस्ट अगर आप इसका बोलेंगे तो ये वेरी करते हैं किस प्रकार का आपको एपिलेटर चाहिए उस हिसाब से, कंपनी के हिसाब से। जैसे मेरा ब्रॉन का है, ये मार्केट में एक वन ऑफ द बेस्ट एपिलेटर्स माना जाता है, इसके साथ बहुत सारे अटैचमेंट्स देते हैं तो इसका कॉस्ट ऊपर जाएगा। ये आपके ऊपर रहता है कि आपको किस प्रकार का एपिलेटर चाहिए, कितने अटैचमेंट्स चाहिए, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मगर एक लॉन्गर रन में ये कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि आप पार्लर नहीं जा रहे हैं, आप घर बैठे ही इजीली निकाल रहे हैं तो आप पार्लर का कॉस्ट जो है वो बच रहा है। कितने दिन के बाद आपका ग्रोथ आएगा, ये क्वेश्चन बहुत अराइज होता है। तो जैसे वैक्सिंग में आपके 3 से 4 वीक्स लगते हैं क्योंकि बाल आपके रूट से निकल रहे हैं, उसी प्रकार एपिलेटर रूट से निकालता है इसलिए 3 से 4 वीक जैसा आपका ग्रोथ है उसी प्रकार से बाल आएंगे, बिल्कुल भी शेव की तरह इतने जल्दी बाल नहीं आते इसमें। तो एपिलेटर्स बहुत अच्छे हैं, अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगेगा। एक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ये एपिलेटर हर्ट करते हैं? ऑब्वियसली आपके एपिलेटर हर्ट करते हैं, ये आवाज सुनिए, ये आवाज से इंसान डर जाएगा। हाँ एपिलेटर हर्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि बाल प्लक हो रहे हैं तो ऑब्वियसली एपिलेटर हर्ट करेगा। लाइक वैक्सिंग में आपको दर्द होता है ना, वैसे ही इसमें भी दर्द होगा, मगर थोड़े टाइम के बाद आपका दर्द ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगेगा, सीरियसली। तो आप एपिलेटर यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसको यूज कैसे करना है। ये रहा मेरा एपिलेटर, अभी तो मैंने शेवर हेड लगाया है, मगर इसको यूज करने का सबसे इजी तरीका है, एक दिन पहले आपको इसको एक्सफोलिएट करना है, अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है। एक्सफोलिएशन मतलब स्क्रबिंग करना है,
स्क्रब आप कोई सा भी होममेड यूज कर लो, कॉफी स्क्रब, ओट स्क्रब, बाहर का स्क्रब, कोई सा भी स्क्रब करके एक बार स्किन को एक्सफोलिएट करना, जिससे आपकी स्किन जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, बाल थोड़े डेलिकेट हो जाएंगे और अगले दिन इजिली रिमूव हो सकते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे यार प्रीति उसी टाइम कर लेंगे और थोड़ी देर के बाद एक्सफोलिएट कर देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसी टाइम आपने किया है आपकी स्किन डेलिकेट हो गई और तभी आप करोगे तो रेड बम्स आ जाएंगे। इसलिए एक दिन पहले एक्सफोलिएट करना और फिर बाल निकाल देना। अब इसको कैसे यूज करना है, तो अभी तो मैंने शेवर हेड लगाया है। इसमें दो लॉक टेक्निक्स होते हैं कि कितने mm आपके बाल हैं उस हिसाब से ये निकाल देता है। तो जितने छोटे बाल है ना उसको भी वो निकाल देगा। तो अब इसको बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। अलग अलग एपिलेटर्स के अलग अलग तरीके होते हैं। तो जैसे मैंने ये वाला ट्वीज़र लगा दिया, एक ये ट्वीज़र आता है, इसके ऊपर मैं अलग अटैचमेंट भी लगा सकती हूँ, जैसे ये वाला जिसे सिर्फ इतने इतने एरिया में ट्वीज़र चलेगा, या मेरे को फेस में करना है तो ऐसा लगा सकती हूँ। मगर मैं फेस में ये यूज़ नहीं करती हूँ, मैं फेस में वीट का यूज़ करती हूँ। उसका भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं शॉर्टली बता सकती हूँ कि कैसे आईब्रोज सब आपको निकालने हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। इस वाले हेड की जगह मैं ये वाला हेड भी लगा सकती हूँ। तो और जब मेरे बालों की ग्रोथ ज़्यादा है तो पहले मैं शेवर हेड में ये लगा के उनको कम कर देती हूँ और फिर मैं एपिलेट कर सकती हूँ। तो अलग अलग तरीके हैं, आप कैसा आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताई, आवाज़ थोड़ी स्कैरी लगती है मगर आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही हो। आपको अपना हाथ स्ट्रेच करना है, इसको 90 डिग्री में रखना है, ऐसे ऐसे नहीं, 90 डिग्री। और इसमें एक लाइट होती है जो आपको बताएगी कि बाल ईजिली निकल गए। अब इसको ऐसे रखना और ऑपोजिट डायरेक्शन अपने बालों के लेके, सी मुझे दर्द नहीं हो रहा क्योंकि मैं इसको उतना यूज़ कर चुकी हूँ। धीरे धीरे आप उसको लेके जाइए, ऐसे भी झाड़ झाड़ करेंगे तो कुछ नहीं निकलने वाला। ऐसे लेके जाइए, मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, ऐसे 90 डिग्री में रख के और क्योंकि आप इसमें दो स्पीड्स भी होते हैं, 1 और 2, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके यूज कर सकते हैं ना। मैंने इसको इतनी बार यूज किया, 3 साल से यूज कर रही हूँ कि मेरी स्किन अडेप्ट कर चुकी है, इसे मुझे पेन नहीं होता है। स्टार्टिंग के 1-2 टाइम आपको पेन होगा, दर्द होगा लाइक वैक्सिंग, मगर इट्स नॉर्मल, इट्स ईजी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ ये है एपिलेटर और ये इतना कंफर्टेबल होता है हाथ के स्पीड से, आप हाथ में ईजिली आप इसको ग्रैब कर सकते हैं और कर सकते हैं किसी भी एरिया में। और इसको करने के बाद आप एक अच्छा सा शावर ले लीजिए, अगर आप शावर तब ले सकते हैं, अदरवाइज एलोवेरा जेल या आइस क्यूब से उसको अच्छे से अपनी स्किन को रब कर दीजिए। कोई बम्स कुछ नहीं आएंगे, रेडनेस चली जाएगी। ऑयल मत लगाना क्योंकि स्किन के जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाएंगे। इसलिए अब इसमें एक छोटा सा ब्रश भी आता है, इसमें एक छोटा सा ब्रश आता है ऐसा, जो आपके ट्वीज़र्स को आप साफ कर सकते हो, तो हाइजीन लेवल मेंटेन रखना। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये हो गया हाथ पैर में आपने कर लिया, अंडर आर्म्स के लिए आप क्या करेंगे? एकदम से इसको आप अंडर आर्म्स में जब आपकी ज़्यादा ग्रोथ है आप यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले आप इसको रिमूव करिए, अपना जो शेवर हेड है वो लगाइए। ये शेवर हेड होता है, ये बहुत अच्छा है, देखिए बिल्कुल मैं हाथ चला रही हूँ, कोई दर्द नहीं हो रहा है, राइट? आप यूज़ करिए, अपने बालों की ग्रोथ को 0.5 mm तक ले आइए, छोटे छोटे बाल हो जाएंगे। उसके बाद कोई सा भी एपिलेटर अच्छे से हाथ स्ट्रेच करके आप लगाइए, आपको आपके बाल बहुत जल्दी चले जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो आप यूज़ कर सकते हो इस पैंडेमिक में, तो ये वरदान है, वरदान। तो आई गेस मैंने सारे डाउट्स आपके एपिलेटर के बारे में सारे क्लियर कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा सा भी आपको जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर कोई भी एक्स्ट्रा डाउट है जो मैंने छोड़ दिया, आपको कुछ जानना है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी। और
वीट के बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर मुझे 5-6 कमेंट आ गए तो मैं ज़रूर इसके बारे में वीडियो बना दूंगी, अदरवाइज क्यों बनाऊंगी यार। ठीक है, तो बाय, टेक केयर।